press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू testbook.com एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेल, आज ह्यूमन डिजीज़ का टॉपिक हमने कल कंप्लीट किया था, बट वो आधा हुआ था. डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी द्वारा होने वाले रोग, एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए थे. तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे. आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल. ठीक है, तो उसी सीरीज़ को बेसिकली हम लोग आगे बढ़ाएंगे. और आज हमें आपकी दो डिजीजेस को कंप्लीट करना था. एक तो था आपका डिजीजेस कॉस्ट बाय वायरस यानी कि आप कहो कि विषाणु द्वारा होने वाले जितने भी जो रोग हैं वो, प्लस डिजीजेस कॉस्ट बाय फंगस यानी कि आपका जो कवक है उस कवक के द्वारा या फंगी उस कवक के द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो आपके इसके अंदर आएंगे. या आपको बेसिकली यही दो जो है पढ़ने. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल. ओके, तो ये दो जो है, दो लिस्ट जो थी वो आपकी एक तरह से रह गई थी. क्लियर है? प्लस आज ही के वीडियो में हम ह्यूमन डिसीज का जो Q&A सेशन है उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एज सच कंप्लीट हुआ है. तो क्वेश्चन आंसर भी हम आज ही लगाएंगे इन दोनों टॉपिक्स के खत्म होने के बाद. क्लियर, बात समझ में आ गई? आज के दिन में क्या करने वाले हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, यस और नो. जल्दी से मेंशन कर दीजिए. थैंक यू. कमेंट बॉक्स में जल्दी मेंशन कर दो समझ आ गया कि आज क्या पढ़ना है. ओके, कूल है, आपको समझ आ गया. वेरी गुड. चलिए तो शुरू करते हैं ह्यूमन डिजीजेस या डिजीजेस कॉस्ट बाय वायरस यानी कि विषाणु द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे. क्लियर है? सो डिजीजेस कॉस्ट बाय वायरस को एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पर, और यहां से मैं आपको सारी डिजीजेस बताती जाऊंगी. सी, सबसे पहले देखिए कि आपका जो डिजीजेस है जो वायरस यानी कि विषाणु से होता है, वो विषाणु से होने वाले रोग एड्स, डेंगू, मीजल्स जिसे हम खसरा कहते हैं, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा कही कहते हैं हिंदी में, जॉइंडिस यानी कि पीलिया, रेबीज आपको पता है क्या होता है, हर्पीस ये भी एक स्किन रोग होता है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, स्मॉल पॉक्स छोटी माता, ठीक है, चिकन पॉक्स इज बड़ी माता, समथिंग लाइक दैट. तो ये आपकी वो डिजीजेज हैं जो आपको वायरस यानी कि विषाणु से होती है. क्लियर? अब एड्स में कौन सा ऑर्गेन, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होती है WBC. हमेशा याद रखिए, एड्स में जो WBC का काउंटडाउन है वो काफ़ी कम हो जाता है, और आपकी बॉडी को अन्य रोगों से लड़ने का जो कैपेसिटी है वो एज सच नहीं रह पाता है. ठीक है, तो WBC यहाँ पर आपका ये ऑर्गेन होगा यहाँ पर एड्स के केस में. वायरस HIV होता है और सिम्टम्स आप देख सकते हो. डेंगू में होल बॉडी, मीजल्स में भी होल बॉडी, पोलियो सॉरी
डेंगू, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स, इन सब में देखो होल बॉडी आता है, ठीक है। डेंगू का वायरस का नाम मिलियन वायरस है, मीजल्स के वायरस का नाम मीजल्स मोरबेली वायरस है, देन आफ्टर आपका आएगा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आइस से रिलेटेड एक डिसीज होती है, आंखों से संबंधित एक रोग होता है ट्रेकोमा, जिसमें कॉर्निया ऑफ आइस प्रभावित होता है, और वायरस ट्रेकोमा वायरस। ज्वाइंटिस बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, ज्वाइंटिस में अफेक्टेड ऑर्गन जरूर पूछा जाता है, और ज्वाइंटिस में अफेक्ट यानी कि प्रभावित होता है लिवर, ठीक है, यकृत। वायरस तो मिलियन ऑफ वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर कोई वायरस इसमें नहीं होता। रेबीज नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और रेबडोलाइसा सेकेंड इसके वायरस का नाम है। देन आफ्टर हर्पीस, काफी खतरनाक डिसीज, स्किन से रिलेटेड होती है, हर्पीस फिफ्थ इसके वायरस का नाम है। इसमें जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो पूरी सॉइल हो जाती है, वेरी गुड मॉर्निंग, वो पूरी सॉइल हो जाती है आपके हर्पीस में। देन आफ्टर पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड होती है, और इसके वायरस का नाम पोलियो वायरस ही है। देन आफ्टर आपका इन्फ्लुएंजा, तो होल बॉडी मैंने बता दिया है आपको, दैट इज मिक्सो वायरस आपका आएगा। उसके बाद चिकन पॉक्स, वेरिसिला वायरस, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। अधिकतर कन्फ्यूजन होता है कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में बेसिकली क्या रहता है, तो चिकन पॉक्स के सी से याद रखो कि उसके वायरस का नाम वेरिसिला है, और स्मॉल पॉक्स के फिर तो आप याद रखी लोगे, उसका नाम वेरियोला है। क्लियर है? ओके, सो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि वायरस की डिजीजेस कौन कौन सी थी। स्क्रीनशॉट ले लेना तो एक पर्टिकुलर लिस्ट आपको बिल्कुल करेक्टली मिल जाएगी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे और वायरस की डिजीजेस के बाद जानेंगे किसका नंबर था, फंगस का। फंगस बेसिकली, कल बहुत से लोग स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे फंगस क्या होता है, फंगी क्या होता है, तो फंगी जो है वो आपका एक तरह से यूकैरियोटिक, ठीक है, एक तरह से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या कहिए एक कोशीय जीवधारी जो है वो होता है आपका क्या, फंगस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मशरूम हो गया, या फिर आपके ईस्ट हो गया, जो ईस्ट सुना होगा, तो मशरूम हो गया, ईस्ट हो गए, मोल्स हो गए, ये सब आपके फंगस होते हैं, आपके एक तरह से कवक की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? और स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और आपके अधिकतर जो इसमें फंगस है वो आपके इसी तरह से काम करते हैं। क्लियर है? चलिए, सो अब देख लेते हैं कि आपके फंगस से होने वाली या कवक से होने वाली डिजीजेस यानी कि बीमारियां, रोग कौन कौन से हैं, इसको देखिए। ओके, तो फंगस से होने वाले जो रोग हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, फंगस से होने वाले जो रोग हैं उसमें सबसे पहला है आपका अस्थमा, जिसमें आपका जो ऑर्गन अफेक्ट होता है दैट इज लंग्स। इसका जो फंगी नेम है दैट इज एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, इसका फंगस नेम होता है। देन आफ्टर एथलीट फूट, स्किन अफेक्ट होगी, जिसमें फंगी का नाम आपके टीनिया पेडिस है। स्कैबीज, जिसे हम खाज या खुजली के नाम से जानते हैं, उसमें आपके स्किन अफेक्ट होती है, और फंगस जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका एस्कैरिस स्कैबीज। देन आफ्टर बाल्डनेस यानी कि गंजापन, तो इसमें स्कैल्प आपका जो है, सिर का जो त्वचा होती है वो आपकी इफेक्ट होती है। टीनिया कैपिटिस इसका फंगस नेम है। रिंग वॉर्म, बिल्कुल सही है, अच्छा काफ़ी लोग लिख भी रहे हैं, नाइस। रिंग वॉर्म जिसको, जिसमें कैसे एक ऐड भी आता था, वो ऐसे गोल गोल से दाने दिखाई देते हैं ना, वो स्किन को अफेक्ट करता है, और ट्राइकोफाइटोन इज द फंगी नेम ऑफ रिंग वॉर्म। क्लियर है? तो अस्थमा का याद रखिए एस्पारजिलस फ्यूमिगेट्स, देन आफ्टर टीनिया पेडिस का याद रखिए आपका एथलीट फूट टीनिया पेडिस का, देन आफ्टर स्कैबीज का याद रखिए तो स्कैरिस स्कैबीज, बाल्डेस का याद रखिए टीनिया कैपिटिस, और रिंग वॉर्म का याद रखिए ट्राइकोफाइटोन। ओके, सो ये हम लोगों ने देख लिए आपके डिजीजेस कॉस्ड बाय फंगी, डिजीजेस कॉस्ड बाय वायरस। क्लियर है? आई होप सो आप इसको लिख लोगे। कल भी मैंने बोला था कि लिख कर जब तक याद नहीं करोगे तब तक कोई कुछ नहीं होने वाला, तो इट्स बेटर कि एक बार कॉपी में आप लिख लेना, आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है? समझ में आ गया? डैंड्रफ, अरे यार डैंड्रफ,
डेंड्रफ आपके नॉर्मल एक सीजनल डिसीजेस के कैटेगरी में आता है. डेंड्रफ को दरअसल डिसीज के फॉर्म में नहीं लिया जाता है, वो आपकी स्कल्प और आपके जो क्लाइमेट में या वेदर में जो चेंज होता है उसके वजह से स्कल्प जो स्किन छोड़ती है उसको हम डेंड्रफ कहते हैं. ठीक है, तो वो है आपका डेंड्रफ. वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी. चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ से और अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की या आपके क्यू एन ए सेशन की. अच्छा, कितने लोगों को अभी पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की क्लास स्टार्ट हो गई है टेस्ट बुक पर? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन कर दो कि आपको पता है या आपको नहीं पता है, तो फिर मैं अच्छे से बता दूँ. जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि कितने लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की क्लास टेस्ट बुक पर स्टार्ट हो गई है. नो आई नो. ठीक है, पता नहीं. यस yes, पता है. ठीक है, ओके. तो कुछ लोग हैं जिन्हें पता है, कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पता है. ओके, ठीक है. तो जिन लोगों को नहीं पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की क्लास टेस्ट बुक के चैनल पर इस समय चल रही है, वो एक बार यहां देख लो पहले बोर्ड पर और उसके बाद उसी में मैं आपको अपना क्लास शेड्यूल भी बता दूंगी. सी, बस 2 मिनट लगेगा और उसके बाद हम लोग तुरंत क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएंगे. एनटीपीसी की क्लास चल रही है, 2 बजे जीएस का क्लास होता है, ठीक है, 3 बजे मैथ्स का क्लास होता है और 4 बजे रीजनिंग का क्लास होता है. ठीक है, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी का यूट्यूब शेड्यूल. आपके एनटीपीसी की क्लासेस दिन में 2 बजे जीएस की, 2:45 तक चलेगी, 3 बजे से 3:45 तक मैथ्स की चलती है और 4 बजे से 4:45 तक आपकी रीजनिंग की चलती है. क्लियर. अब इसमें ये जो जीएस का क्लास शेड्यूल देख रहे हो, ये जीएस का एक क्लास शेड्यूल है जो मैंने फिक्स किया है कि हम लोग मंडे को क्या पढ़ेंगे, हम ट्यूसडे को क्या पढ़ेंगे, हम वेंसडे को क्या पढ़ेंगे एंड सो ऑन. ठीक है, तो चलो एक बार और तुम लोगों ये जीएस का जो क्लास शेड्यूल है ना, एनटीपीसी का जीएस क्लास शेड्यूल एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं. ये आपका क्लास शेड्यूल ऑफ आरआरबी एनटीपीसी जीएस, जिसमें 2 बजे आपको दिख रहा है टाइम, 2 बजे से 2:45 तक का. मंडे को आपकी पॉलिटी की क्लास होगी, ट्यूसडे को इंडियन हिस्ट्री, यानी कि आज ट्यूसडे है तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक आज मैं आपको कराने वाली हूँ एनटीपीसी के लिए. वेंसडे को आपके स्टैटिक जीके का क्लास होगा, थर्सडे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसी चीज़ का क्लास होगा आपके, फ्राइडे को इंडियन ज्योग्राफी में का क्लास होगा और सैटरडे को इन सारे सब्जेक्ट का एक एमसीक्यू हम लोग रख लेंगे. ठीक है, समझ आ गया? ओके, सो ये समझ में आ गया. अभी पता है सबको ना कि आरआरबी एनटीपीसी क्लास चल रही है टेस्ट बुक चैनल पर, 2 बजे से आपके 5 बजे तक आप लोग आइए, वेलकम है आपका, और अपना क्लास अटेंड करिए. चलिए तो अब हम चलते हैं कि भाई जितना 2 दिन में आपने ह्यूमन डिसीज पढ़ा, उस ह्यूमन डिसीज में कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे, इस चीज को एक बार हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर मुझे बता दो कि आर यू गाइज रेडी फॉर क्यू एन ए सेशन. जल्दी से बता दो क्यू एन ए सेशन के लिए आप तैयार है या नहीं. ठीक है, एनटीपीसी में इंग्लिश का नहीं है. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइज, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. अब जैसे आरआरबी एनटीपीसी का क्लास स्टार्ट हो गया बट आपको पता ही नहीं है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होता या बेल आइकन आपने प्रेस किया होता तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाता कि हम लोग इस समय पर लाइव है. ठीक है, चलिए बिल्कुल रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं. रेडी हैं आप लोग अपने क्यू एन ए सेशन के लिए और देखते हैं आज का सबसे पहला
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. Here's your first question. Which of the following disease is caused by protein deficiency? इनमें से कौन सा रोग प्रोटीन से होने वाला रोग है? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन से होने वाला रोग है? बेरी बेरी, कुवेश्कर, रिकेट्स और गिगेमिटिस. जल्दी से आंसर दीजिएगा. वेट खत्म हो गया भाई. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कर लीजिएगा. ओके, आंसर टू आ रहा है, कुवेश्कर. बिल्कुल सही है. सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कुवेश्कर जो है वो आपका प्रोटीन से होने वाला एक रोग है, जबकि बेरी बेरी जो है ये आपके विटामिन बी की कमी से होता है. रिकेट्स जो है वो आपका विटामिन डी की कमी से होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही है. हाँ बिल्कुल सही है आपका सेकेंड ऑप्शन नंबर. ठीक है, ओके. और साथ ही साथ आपका जो गिंगिवेंटिस दिखा है ये आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स यानी कि आपके जो मसूड़ों में जलन होती है ये उससे रिलेटेड एक डिसीज है. क्लियर, ओके. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अफेक्टेड बाय काला अजर. आपका जो काला अजर रोग है उस काला अजर रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित नहीं होता. फिर से बोल रही हूं, काले अजर रोग से निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित नहीं होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा, स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, लिवर यानी कि यकृत. आंसर करिएगा, कौन सा अंग प्रभावित नहीं होता है पूछा है. ठीक है, तो आंसर आप लोगों के आ तो रहे हैं और अलग अलग ब्रेन भी आ रहा है. ठीक है, थर्ड आ रहा है, बोन मैरो भी आ रही है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर ब्रेन है. ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो ब्रेन जो है वो आपका अफेक्ट नहीं होगा काला अजर जैसी डिजीज के अंदर. क्लियर है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नो इशू गौरव, आप आ गए हैं, क्वेश्चन आंसर अभी से स्टार्ट हुए, पीछे जाकर वीडियो देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाइजल टेस्ट इज यूज्ड फॉर सक्सेसिबिलिटी ऑफ, यानी कि आपका जो वाइजल टेस्ट होता है वो वाइजल टेस्ट किस डिसीज किस रोग के लिए यूज किया जाता है? मलेरिया के लिए, कॉलेरा यानी कि हैजा के लिए, येलो फीवर यानी कि पीत ज्वर के लिए, या टाइफॉइड के लिए? आंसर करिएगा. ओके, गंगाधर प्रधान टाइफॉइड कह रहे हैं. ठीक है, डेली करंट अफेयर फोर्थ कह रहे हैं. ओके, रॉकी ठीक है, करण ठीक है, शशांक वेरी गुड, हरदास वेरी गुड. ठीक है, ठीक है, निम्मी किट्टू ओके, आलम जी बिल्कुल सही है. ओके, सो करेक्ट आंसर आप लोगों ने दे दिया. एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, आपका टाइफॉइड जो होता है उस टाइफॉइड डिसीज के लिए वाइडल टेस्ट का यूज किया जाता है. अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ टाइफॉइड में जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वो बैक्टीरिया कौन सा है, या टाइफॉइड के बैक्टीरिया का नाम बताओ, टाइफॉइड के जीवाणु का नाम बताओ. चलो आंसर करो, टाइफॉइड के जीवाणु का नाम बताओ. देखते हैं कौन सबसे पहले आपके बैक्टीरिया का नाम दे देता है. जल्दी से आंसर कर दो, टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम जल्दी से आंसर. टाइफाइड साल्मोनेला, गलत है. क्लास का टाइमिंग बेटा, क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग 8:30 है. साल्मोनेला टाइफी, ओके. हाँ हिंदी में क्वेश्चन रहते हैं लेकिन आज नहीं है इसलिए मैं कंटिन्यू हिंदी बोल रही हूँ, डोंट वरी. ओके, साल्मोनेला टाइफी बिल्कुल सही है. ऊपर सॉरी मैंने गलत बोल दिया था. करेक्ट आंसर, साल्मोनेला टाइफी जो है वो आपका होता है टाइफाइड रोग का जीवाणु का नाम. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजिंग एजेंट ऑफ एथलीट फूट डिसीज. निम्न में से कौन सा कारक
एथलीट फूट नामक रोग के लिए है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक एथलीट फूट के लिए होता है? राइनोवायरस, ट्राइकोफाइटॉन, डिप्लोकोकस या ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस? आंसर करिएगा। सीधे से पूछा गया है कि कौन सा कवक जो है वो आपके इस रोग एथलीट फूट के का कारण है। ओके, नागेश जी सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, सानू जी फोर्थ, ओके, और नीट बायोलॉजी फोर्थ, ठीक है, डेली, ठीक है, राजू विश्वास, ठीक है, गंगाधर जी, ओके, स्वागत, ठीक है, अभिषेक शुक्ला सेकंड, ठीक है, अनुज तिवारी, गुड मॉर्निंग भाई, लेटो, अभिषेक सेकंड कह रहे हैं, ठीक है, शुभम सेकंड कह रहे हैं, शशांक सेकंड कह रहे हैं, सेकंड यानी कि ट्राइकोफाइटॉन, बिल्कुल सही है, ट्राइकोफाइटॉन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, टिक कर लीजिएगा, ट्राइकोफाइटॉन जो है वो आपके एथलीट फूट के का एक कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग करने, आपको आपको एक तरफ रोग दिए गए हैं और एक तरफ उसके एजेंट दिए गए हैं। मीजल्स यानी कि खसरा, स्मॉल पॉक्स छोटी बाता, एथलीट फूट पता है आपको, काला अजर, जल्दी से मैच करो और आंसर बताओ, जल्दी से मैच करो, आंसर बताओ। स्मॉल पॉक्स तो तुम लोग तुरंत मिला दोगे, एथलीट फूट भी तुम लोग तुरंत मिला दोगे, अभी अभी दो मिनट पहले का क्वेश्चन था, तो अगर दो मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा ऑप्शन ढूंढने में। आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड भी आ रहा है अभी, कोई ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, सही मैच किया है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए थ्री यानी कि मीजल्स जो है उसका होता है रूबियोला वायरस, देन आफ्टर आपका वन यानी कि जो आपका स्मॉल पॉक्स है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन फिर आपका हो जाएगा बी का फर्स्ट यानी कि आपका स्मॉल पॉक्स का, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, सही है, ए थ्री, बी टू, सी फोर और डी वन, ठीक है, ओके, तो करेक्ट आंसर आपको बता दिया मैंने, सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? निम्न में से कौन सा रोग परजीवी द्वारा नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग परजीवी के द्वारा नहीं होगा? लिशमेनियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, मलेरिया और आपके टोक्सोप्लाज्मोसिस, सारे ही ऑप्शन आपके कुछ अजीब है, शायद मलेरिया को छोड़ करके सारे अजीब है। आंसर कर लीजिएगा। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ओके, ठीक है, चलिए आंसर कर देती हूँ। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछा गया है निम्न में से कौन सा रोग परजीवी के द्वारा नहीं होता, तो आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है वो आपके परजीवी के द्वारा होने वाला रोग नहीं है, बल्कि हिस्टोप्लाज्मोसिस कवक के द्वारा होने वाला रोग है। इसको डार्लिंग डिसीज के नाम से जाना जाता है या डार्लिंग बीमारी के नाम से जाना जाता है, क्लियर। एड्स रोगियों जो आपके एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत नॉर्मल होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस नामक डिसीज, क्लियर, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है एड्स के रोगियों में, और इस वजह से ये डिसीज या फंगस जो है वो बहुत जल्दी अटैक कर लेता है। क्लियर है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1956 मिनामाता
डिसीज वॉज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, आपके किस प्रकार के प्रदूषण से 1956 में मिनामाता रोग हुआ था? कौन सा पॉल्यूशन मिनामाता रोग को बताता है, या कौन से पॉल्यूशन, कौन से प्रदूषण से 1956 में मिनामाता रोग फैला था? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन, देन आफ्टर आपका सॉइल पॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, जल प्रदूषण कह रहे हैं आप लोग, और इसी के साथ आप बिल्कुल सही हैं। तो जल प्रदूषण इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका जो वाटर पॉल्यूशन है, उस वाटर पॉल्यूशन के कारण मिनामाता जो है वो पहली बार जापान में 1956 में ये डिसीज आपके सामने आई थी, और इसका मेन जो कारण था वो आपके जो इंडस्ट्रियल जो डिस्पोज निकलता है वो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि औद्योगिकीकरण में मिथाइल जो मर्क्यूरी था, उस मिथाइल मर्क्यूरी के वजह से ये डिसीज जो है काफी ज्यादा फैली थी। ठीक है, ओके, तो इसको भी नोट कर लेना। हाँ बिल्कुल, मर्करी इन वाटर, करेक्ट है, बिल्कुल सही आप। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द कॉलेरा वैक्सीन। मैंने बताया था कि हैजा का वैक्सीन किसने खोज करी है, हैजा के वैक्सीन की खोज किसने करी है, आंसर करिएगा। हु डिस्कवर या हु इन्वेंटेड कॉलेरा वैक्सीन, कॉलेरा वैक्सीन की खोज किसने करी है, या टीके की खोज किसने करी है? अनोन पर्सन, वेरी गुड। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल गाइस, बेल बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम से। ओके, तो आंसर थर्ड फोर्थ सारे आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर व्लादिमीर होफकिन है। व्लादिमीर होफकिन ने आपके कोलेरा वैक्सीन को डिस्कवर किया था, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ कि कोलेरा का बैक्टीरिया नेम क्या है, हैजा का जीवाणु कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हैजा का बैक्टीरिया नेम बताइए। एनटीपी नोटिफिकेशन, एनटीपीसी नोटिफिकेशन 28 फरवरी तक आने के प्रोबेबिलिटी है। कोलेरा वैक्सीन मैंने आपको बता दिया है, व्लादिमीर होफकिन ने डिस्कवर किया था, और विब्रियो कोलेरी श्रीव्यंशी नाडियाला जी, थोड़ा सा टफ नाम है, उन्होंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया। वेरी गुड, ठीक है, विब्रियो कोलेरी आप लोग आंसर दे रहे हैं। सानू सरकार, वेरी गुड, ठीक है, गंगाधर जी बिल्कुल सही है, उर्ज टेकी, ठीक है, अभिषेक शुक्ला, वेरी गुड, बामा स्वाती जी, वेरी गुड, ठीक है, सो विब्रियो कॉलेरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, इंसुलिन की खोज किसने करी, क्योंकि डिजीजेस की बात हो रही है तो इंसुलिन कभी पीछे नहीं छूट सकता है। इंसुलिन मैं बता दे रही हूं, आपका इंसुलिन जो है वो आपकी पेनक्रियाज जो होते हैं या अग्नाशय जो होते हैं उसमें जो बीटा सेल है, उन बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है जो कि ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है ना। तो भाई इंसुलिन की खोज किसने करी आपको ये बताना है अभी। ठीक है, आंसर करते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फेडरिक बेंटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया का जो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था उसकी खोज करी थी। जेम्स वॉट लिखा है, तो जेम्स वॉट ने आपके स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था, और आपका हॉपकिंस लिखा है, तो हॉपकिंस ने विटामिन की खोज करी थी। ठीक है, तो मैंने चारों चीजें बता दी है, चारों को नोट कर लेना, चार क्वेश्चन बन जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन ऑफ बीसीजी। निम्न में से कौन सा रोग आपके बीसीजी का जो टीका होता है या बीसीजी का जो वैक्सीन होता है उससे बचाया जा सकता है? जॉइंडिस यानी कि पीलिया, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस या कॉलेरा, हैजा, आंसर करिएगा। बीसीजी का वैक्सीन मुख्यतः किस बीमारी में यूज किया जाता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं।
बेंड ओके थर्ड और सेकंड ऑप्शन आ रहा है ओके थर्ड ऑप्शन आया है ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल सही है ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपका बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिसीज के लिए यूज करी जाती है और कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताओ बीसीजी का फुल फॉर्म कल मैंने बस बोला भरता इसमें किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि इसको लिखकर बता दो मैम तो मैंने नहीं बताया था तुम लोगों को तो अब तुम लोग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ बीसीजी का एकदम एग्जैक्ट फुल फॉर्म बताओ चलो जल्दी से बताओ बीसीजी का फुल फॉर्म बिल्कुल सही है अलका सिंह सुनील कुमार आदर्श गौतम जी गुलशन परमार शहीद अंसारी जी राजवरुण सबीरुल कबीर जी ठीक है वेरी गुड बेसिलस कैलमिटी ग्वेलिन दीप शिखा सेन वेरी नाइस राम जी वेरी गुड शानु सरकार वेरी गुड राज नाइस ठीक है अभिषेक शर्मा वेरी नाइस गौरव गुप्ता आशीष अभिषेक ठीक है सबीना खातून जी बहुत दिनों बाद आई हैं आप शायद है ना चलिए सो ओके वेरी गुड सही है बेसिलस कैलमिटी ग्वेरिन इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज्ड आरबीसी इन द ब्लड लीड टू द कंडीशन कॉल्ड यानी कि अगर रुधिर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो इनमें से कौन सी कंडीशन कौन सी स्थिति होती है एनीमिया हीमोफीलिया पॉलीसाइथेमा और ल्यूकेमिया अगर शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा प्रकाश श्री जी आरआरबी जेई के लिए फिजिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए फिजिक्स का वेटेज बहुत अच्छा आता है आरआरबी जेई में ओके पॉलीसाइथेमा आंसर आ रहा है ठीक है ओके तो चलिए आंसर कर देती हूँ और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग बिल्कुल सही हैं पॉलीसीथेमिया जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ठीक है नॉर्मली ये एक तरह का ब्लड कैंसर है जो आपकी हड्डियों से बेसिकली शुरू होता है बोन से शुरू होता है और बोन मैरोस तक ये बेसिकली पूरा जाता है ठीक है एनीमिया आपको पता है जब भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपका एनीमिया होता है देन आफ्टर ल्यूकेमिया जब भी शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा होती है तो ल्यूकेमिया होता है क्लियर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज अफेक्टेड इन निमोनिया मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां लिखी थी डिसीज यहां मुझे याद है लास्ट में है ना तो निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है लंग्स यानी कि फेफड़े लिवर यानी कि यकृत किडनी ही कहते हैं हार्ट यानी कि हृदय चलो जल्दी से आंसर बेटा हिंदी में आज नहीं है कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से इसलिए मैं कंटिन्यू हिंदी बोल रही हूँ सुन लो थोड़ा सा कि निम्न में से निमोनिया में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है लंग्स यानी कि फेफड़े लिवर यकृत किडनी हार्ट हृदय लंग्स आ रहा है बिल्कुल सही है लंग्स इज द करेक्ट आंसर आपके जो फेफड़े होते हैं उसमें पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है पानी भर जाता है फेफड़ों में तो आपके लंग्स जो है वो एकदम करेक्ट होगा निमोनिया के केस में ठीक है वेरी गुड वेरी नाइस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस डिसीज स्प्रेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट आपका जो सोने की बीमारी है वो सोने की बीमारी निम्नलिखित में से कौन से कीड़े कौन से इंसेक्ट के कारण होती है बैट बग लोस सीसी फ्लाई सैंड फ्लाई बालू मक्खी सीसी मक्खी हाँ बिल्कुल सही है आरती चौहान जी मैंने यही बताया था नाइस कुशल हिंदी बोली है मैंने देखो सोने की बीमारी निम्नलिखित में से किस कीड़े के वजह से होती है सीसी फ्लाई आंसर आ रहा है वेरी गुड वेरी नाइस ठीक है भाई सीसी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है सीसी फ्लाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका स्लीपिंग सिकनेस जो है वो एक परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है वो एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है और जिसमें जो मेन मीडिएटर होता है वो मेन मीडिएटर आपका सीसी फ्लाई या सीसी मक्खी
होती है. क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द मेडिकल कंडीशन इन विच द बोन बिकम फ्रेजाइल एंड ब्रिटल. आपका वो कंडीशन या आपकी वो स्थिति जिसमें आपकी जो हड्डियाँ हैं या जो बोन्स होती हैं वो हड्डियाँ कमजोर और भंगुर, यानी कि भुरभुरी जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट, है ना, कमजोर और सॉफ्ट हो जाती हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आंसर करना. राज दीक्षित फर्स्ट कह रहे हैं, ठीक है. दीपशिका सेन, वेरी गुड. प्रवीण शुक्ला, ओके. नीलेश, ठीक है. पल्लव दास, ठीक है. अमृत राज, वेरी गुड, ठीक है. ऑस्टियोपोरोसिस, तृप्ति सिंह, वेरी गुड. ऑस्टियोपोरोसिस इज द करेक्ट आंसर. ये वो स्थिति होती है क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर और सॉफ्ट हो जाती है, और इसी स्थिति, इसी कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं. क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वेरी नाइस, बहुत सही, अच्छा है. देखो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूवी रेस कमिंग फ्रॉम सन मेजॉरिटी कॉज विच कैंसर. आपके सूर्य से आ रही जो यूवी किरणें हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, वो किरणें निम्न में से किस प्रकार का कैंसर कॉज करती हैं या उसमें से कौन सा प्रकार का कैंसर होता है? आंसर करिएगा. यूवी, सूर्य की किरणों से आ रही यूवी रेस से कौन से प्रकार का कैंसर होता है? बहुत इजी है, ठीक है, सही है. स्किन कैंसर इज द करेक्ट आंसर. आपका स्किन कैंसर जो है वो होता है आपका यूवी रेस, या कहिए सूर्य की किरणों से निकलने वाले प्रकाश से. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस इन अ डायबिटिक पेशेंट. निम्न में से क्या एक डायबिटिक का जो रोगी है, उस डायबिटिक के रोगी में निम्न में से क्या कम होने लगता है, या कहिए निम्न में से कौन सा मधुमेह रोगी में कम हो जाता है? निम्न में से कौन सा मधुमेह रोगी में कम हो जाता है? चीनी, प्रोटीन, इंसुलिन या कुछ भी नहीं? आंसर करो, बहुत ईजी है. डी और थर्ड आंसर आ रहा है, वेरी गुड. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर. आपका जो इंसुलिन है वो इंसुलिन आपके शरीर में कम हो जाता है, और मतलब डायबिटीज दरअसल तभी होती है जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए. क्यों? क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज जो होता है ना बॉडी में, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है. अब इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा ही नहीं, और जब वो बदलेगा नहीं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा शरीर में. क्लियर है बात? चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग वॉर्म इज आ डैश डिजीज. बड़ी जल्दी आंसर करोगे तुम लोग इस क्वेश्चन का कि रिंग वॉर्म जिसको हम दाद कहते हैं, वो दाद आपका कौन से प्रकार का रोग है? वायरल यानी कि विषाणु जनित रोग है, फंगल यानी कि कवक से होने वाला रोग है, बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु जनित रोग है, और प्रोटोजोअन यानी कि परजीवी द्वारा होने वाला रोग है. आंसर कर दो फटाक से. हाँ बिल्कुल, इंजेक्शंस उसमें फिर लेने पड़ते हैं, ये ग्लाइकोजेनस प्रोसेस कहलाता है. बिल्कुल सही है, वेरी नाइस. फंगल डिसीज है, बिल्कुल सही है. सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपका फंगल डिसीज है, कवक से होने वाला रोग है. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन गाइस. अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा है, कुछ नया सीखने मिल रहा है एक दिन में, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा. आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अप्रिसिएशन बटन का काम करता है, और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं. प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय. आपकी अमीबिक डिसेंट्री एक रोग होता है, और ये जो रोग है ये किसके वजह से होता है या किसके कारण होता है? इसको हिंदी में अमीबी पेचिस के नाम से जानते हैं. तो अमीबी पेचिस किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, साल्मोनेला टाइफी से, ई कोलाई से, या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से. आई होप सो इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत जल्दी कर दोगे. वेरी नाइस.
ओके तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट है. ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर. वेरी नाइस. सभी आपका वन आंसर कर रहे हैं. वेरी गुड. चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय. आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोगों का जो जोड़ा है वो आपका सही बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला जोड़ा सही है. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये वाला. मुझे लगता है आंसर दे लोगे. निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है. क्लाइमेडिया, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, इबोला, लिश्मेनिया, मैनिंजाइटिस, रेबीज, हर्पीस. आंसर फर्स्ट और फोर्थ आंसर आ रहा है. एंड फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लाइमेडिस एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये बेसिकली क्लाइमेडिस जो है ये एक तरह से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक डिसीज होता है जो मेल और फीमेल दोनों में ही होता है. और ट्यूबरक्लोसिस आपको बहुत अच्छे से पता है. ठीक है तो चलिए ये हम लोगों ने आपके कंप्लीट कर लिया. लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. और लास्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो इनमें से किसके कारण होता है. ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्न में से किसके कारण होता है. आर्सेनिक के कारण, लेड के कारण, फ्लोराइड के कारण या नाइट्रेट के कारण. आंसर करिएगा फोर्थ. ओके फोर्थ ऑप्शन नाइट्रेट आ रहा है. ठीक है ठीक है ओके नाइट्रेट आंसर करेक्ट होगा. ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट के कारण होता है. दरअसल ये हीमोग्लोबिन से इश्यूज होते हैं इसमें. हीमोग्लोबिन सुना होगा कि हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है. तो अगर किसी बच्चे के ब्लड में नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो फिर अधिकतर इसमें जो ऑक्सीजन ले जाने का जो कैपेसिटी होता है ना हीमोग्लोबिन का वो काफ़ी कम हो जाता है और उसके वजह से बॉडी जो है वो ब्लू शो होने लगती है. तो इसी को हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं. क्लियर. तो गाइस हियर वी कंप्लीट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन डिजीज. ह्यूमन डिजीज के इस चैप्टर को आज हमने यहां कंप्लीट कर लिया. आई होप सो आपको डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, परजीवी से, जीवाणु से, विषाणु से, वायरस से और आपके कवक, इन सारी ही चीजों से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी डिजीज बेसिकली कैसे होती है. ठीक है तो अब हम लोग अभी आज का सेशन यहाँ खत्म करेंगे और इसके बाद दोपहर में 2 बजे मिलेंगे आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में जिसका टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा. ये मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी की क्लास का टॉपिक बताया है और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि जो श्वसन तंत्र है वो कैसे काम करता है वो कल सुबह 8:30 बजे पढ़ेंगे. आज दोपहर में 2 बजे हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके कौन सा टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक जो कि आपके डिफाइन करेगा आरआरबी एनटीपीसी की क्लास को. साथ ही साथ आपके एएलपी के लिए जो आपको क्वेश्चन पे जिन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन रेस करना है उसके रिगार्डिंग भी आज हम लाइव होने वाले हैं और वो कितने बजे लाइव होने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितने बजे लाइव हम लोग होंगे. ठीक है सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके तो 12 बजे आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं एएलपी के उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसपे आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं. क्लियर समझ में आ गया. तो आज दोपहर में 12 बजे भी आप लाइव आ सकते हैं अगर आपको अपने ऑब्जेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन जानने हैं या एलपी में कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग है वो जानने हैं. प्लस अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 बजे आना बिल्कुल मत भूलिएगा और कल सुबह 8:30 बजे एक बार फिर मिलेंगे. चलिए तब तक प्रिपरेशन करते रहिए, ख्याल रखिए अपना. मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन.